ये गोंडी वाला हाईवे है, यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के मैं फ्रीवे पकड़ता हूँ। सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है ये भी फ्रीवे का है, और लेफ्ट साइड में इसको पकड़ने के रास्ता है, और ये फ्रीवे यहाँ से शुरू होता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा फ्रीवे स्टार्ट से एंड तक। चेंबूर का फ्रीवे मैंने कई बार दिखाया है, लेकिन स्टार्ट से एंड तक मैंने कभी नहीं दिखाया। आज दिखा रहा हूँ। यहाँ से शुरू होता है, गोंडी हाईवे से शुरू होता है ये। इसके आगे भी बढ़ाने की जगह छोड़ा है, लेकिन वो आगे का प्लान है, अभी तो बस इतना ही है। यहाँ से फ्रीवे शुरू हो जाता है और ख़त्म होता है डोंगरी के आरटीओ के सिग्नल पे। इस ब्रिज को पकड़ने के लिए कई रास्ते दिए गए हैं, एक तो वो जो कि मैंने पकड़ा है, दूसरा लेफ्ट साइड से एक ब्रिज चढ़ाया है और आगे उतार दिया है चेंबूर स्टेशन जाने के लिए। और यहाँ पे आपको ऑटो वगैरह और मोटरसाइकिल सब मिलेंगी। मतलब यह है कि असली फ्रीवे अभी नहीं शुरू हुआ, हालांकि फ्रीवे है लेकिन यहाँ पर हर चीज़ अलाउड है। लेफ्ट साइड से चेंबूर स्टेशन जाने के रास्ता दे दिया है, और सीधा चले जाएं तो शताब्दी हॉस्पिटल मिल जाएगा। लेकिन जिधर से मैं जा रहा हूँ राइट साइड पकड़ के, ये फ्रीवे है। यहाँ पे न ट्रक अलाउड है, ना ऑटो रिक्शा, ना साइकिल, ना मोटरसाइकिल, सिर्फ फोर व्हीलर लाइट गाड़ियाँ अलाउड हैं। अगर आपको कोई बाइक दिखती है, जैसे कि लेफ्ट साइड में एक बाइक वाला चला जा रहा है, तो ये अनवीकल है, ऐसा नहीं कि अलाउड कर दिया है। लेकिन आगे अगर मिल गया तो 2,000 रुपये फाइन है इसका। और इस फ्रीवे की स्पीड लिमिट है 80। जहाँ जहाँ 60 की स्पीड लिखी हुई थी उसको भी 80 कर दिया है, यानी उसी को एडिट किया है, 6 को 8 बना दिया है, और सब पता चलता है कि 6 को 8 बनाया गया है। और ये जनवरी से हुआ है, जनवरी 2022, क्योंकि आरटीओ के रूल चेंज हो चुके हैं। सामने चेंबूर का पहाड़ नज़र आ रहा है, उसके नीचे से टनल दे दिया है, और ये बहुत पुरानी नहीं है, 2010 में बनी थी, लेकिन शायद 2013, 14 या 15 में स्टार्ट हुई थी। 2010 में बनना शुरू हुई थी, कई साल लग गए थे बनने में। आरटीओ के रूल इस तरह चेंज हुए हैं 2022 से कि अगर 80 की स्पीड लिखी है तो 81-82 पे फाइन पड़ जाएगा। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, स्पीड स्कैनर, पहले ऐसा नहीं था। 2022 से पहले ऐसा था कि स्पीड कुछ भी लिखी हो, 60 लिखी हो, 40 लिखी हो, 90 के ऊपर फाइन लगता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। नासिक हाईवे यानी मुंबई आगरा हाईवे जो है, स्टेट हाईवे, सिटी के अंदर 70 की स्पीड कर दिया है, पहले उसकी स्पीड 90 थी। अब अगर 71 पे कोई चला गया, स्कैनर के सामने से गुज़र गया 71-72 की स्पीड में, फाइन पड़ जाएगा।
फाइन भी कैसा है मालूम है? फर्स्ट टाइम 1,000, सेकंड टाइम 1,000। कहीं भी तुम्हारी गाड़ी पे अगर सेकंड टाइम ओवर स्पीड का फाइन लगा है तो वो 1,000 ही लगेगा, लेकिन तीसरी टाइम पे, थर्ड टाइम में 2,000 का फाइन लगेगा। फोर्थ टाइम में मुझे पता नहीं है 2,000 लगेगा या इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, पता नहीं। इस रोड पे एक चीज़ की कमी खलती है गाड़ी पे, और वो है क्रूज कंट्रोल। क्योंकि रोड अक्सर खाली होती है, सिर्फ सुबह जाम लगता है यहाँ पे कभी कभी, वो भी यहाँ पे ढलान है क्योंकि ये ब्रिज है, नीचे से एक रोड गई है उसी मार्ग के, और यहाँ पे ढलान पे एक स्कैनर लगा दिया, पहले नहीं था, फिर भी 2 साल तो हो गए लग के। और ये बिजनेस कर रहे हैं आरटीओ वाले, बिजनेस इस तरह कि ऐसे जगह पे स्कैनर लगाओ जहाँ पे लूटने को मिले तबीयत से। जाहिर सी बात है ढलान है, स्पीड बढ़ जाती है, तो ऐसी ही जगह पे उन्होंने, हालांकि हादसे की कोई जगह नहीं कि हादसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसी जगह पे लगाया है ताकि कमाई अच्छी हो। बहुत से लोगों से गफलत होती है, ढलान की वजह से स्पीड बढ़ गई, सामने स्कैनर लगा दिया, कमाई बढ़ गई आरटीओ की। राइट साइड में जो टावर नज़र आ रहे हैं और निकल गए पीछे दाईं तरफ, वो आईमैक्स का एरिया है, आईमैक्स के टावर हैं वो, नाकाबंदी की वजह से। अगर नाकाबंदी ना लगी हो तो कभी भी यहाँ पर जाम नहीं लगता। तो क्रूज कंट्रोल अगर हो तो बस 78 या 75 पे क्रूज लगा दो, फिर किसी बात की कोई टेंशन नहीं, फाइन लगने का कोई टेंशन नहीं। जब हाईवे खाली पड़ा हो तो ऑटोमेटिक गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, गफलत में भी याद नहीं रहता कि यहाँ पे स्पीड लिमिट लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की है स्पीड लिमिट को कवर करने की। आप नीचे देख सकते हैं, जूम आउट करके देख सकते हैं, 70, 72, 74, 75, कहीं एक जगह मुझे 80 पे नज़र आ रहा है काटा नंबर, बाकी 80 के नीचे ही रखा हूँ और कोई फाइन नहीं पड़ा अब तक। कभी कभी 70 के नीचे भी आ जाती है गाड़ी, ये एक दहशत है कि अगर 81 हो गया तो क्या होगा, वो भी कैमरे के सामने। फ्रीवे की बनावट भी ऐसी है कि बहुत चौड़ा नहीं बनाया है, छोटी गाड़ियों के लिए ही बनाया है,
इस पे ट्रक वगैरह अगर चलने लगे तो फिर टेक ओवर करना मुश्किल हो जाएगा। आज पहली बार मैं आप लोगों को सैर करा रहा हूँ फ्रीवे फुल यानी स्टार्ट से एंड तक और नॉन स्किप प्लस नॉर्मल स्पीड। मैंने स्पीड भी नहीं बढ़ाया, पैर एक जगह नहीं रुक पाता है। राडार तुम्हारा अपडेट करो, बता नहीं रहा है कैमरा। यहाँ दिखा रहा है बस वार्निंग दे रहा है। अच्छा, वार्निंग पे तो पैर हल्का होता है जब उसका अलार्म बजता है, इसीलिए तो लगाता हूँ मैं। मैं राडार बोर्ड इसलिए स्टार्ट करता हूँ गाड़ी चलाने में ताकि गफलत ना हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे कैमरा नहीं है वहाँ पर हम हाई स्पीड में गाड़ी चलाएं, नहीं ऐसा नहीं है। लिमिट के अंदर ही रखूँगा, लेकिन अगर कैमरा लगा हुआ है तो होशियार हो जाऊँगा। अगर गफलत में स्पीड है और दो चार पॉइंट बढ़ गई है तो कवर कर लूँगा उसको। ये है मकसद राडार बोर्ड लगाने का। राडार बोर्ड लगाना कोई बुरी बात थोड़ी है, अनलीगल भी नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यूट्यूब में कुछ लोगों ने ये कहा है कि राडार बोर्ड अनलीगल है। राडार बोर्ड जो एप्लीकेशन आता है मोबाइल का अनलीगल नहीं है, आदमी अपनी सहूलत के लिए लगाता है ताकि वो भूल ना जाए। कुल मिला के 15 मिनट का रास्ता है फ्रीवे से। अगर मुंबई आगरा रोड से जाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा ट्रैफिक की वजह से, दादा और भाई खल्ला होते हुए। और फ्रीवे का एक फ़ायदा यह हुआ है कि 15 मिनट में पूरा रास्ता हर कोई क्रॉस कर लेगा। शानदार फ्रीवे है, सभी लोग तारीफ करते हैं। अब ख़त्म होने वाला है और ये ख़त्म होगा डोंगरी पे। हालांकि वो डोंगरी नहीं है, डोंगरी का आरटीओ है। डोंगरी तो राइट मारेंगे और अंदर जाएंगे तो फिर डोंगरी मिलेगा। इससे पहले भी लेफ्ट साइड से बाहर निकलने का एक रास्ता दिया है जिन लोगों को राइट मारना है उन लोगों को। मुझे सीधा जाना है इसलिए मैं यहाँ से उतर के नॉन स्टॉप आगे निकल गया और यहाँ पे फ्रीवे ख़त्म हो चुका है।